बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल FPS डिजाइनर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीवी बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। सीवी तो बहरहाल गूगल से भी मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह बहुत अच्छे डिजाइन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन मेरी वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो जिन्हें सीवी बनाना नहीं आती, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। न्यू में आएंगे, न्यू में आने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सीवी लिखते हैं, उसके बाद आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपका इंटरफेस आ जाएगा एमएस वर्ड का। उसके बाद आपने पेज साइज सेलेक्ट करना है, ठीक है, A4 साइज करना है। लेआउट, लेआउट में आएंगे आप, ठीक है। लेआउट में आने के बाद साइज में आएंगे और A4 कर देंगे। A4 हम इसलिए करेंगे, जो भी हम सीवी बनाएंगे उसकी हमें प्रिंटिंग भी तो चाहिए हार्ड कॉपी, तो जाहिर बात है A4 साइज में निकलेगी, तो हम यहाँ से A4 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम सीवी बनाने के लिए अपना डिजाइन सोचेंगे, ठीक है। अगर सिंपल में बनानी है तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल में। अगर थोड़ी बहुत डिजाइन में बनानी है तो आप डिजाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इंसर्ट में आएंगे, शेप्स में आ जाएंगे, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि रेक्टेंगल फुल में अप्लाई हो जाए, और यहाँ से हम इसको रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसको हम सेट कर देते हैं रेक्टेंगल को और सीवी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद अब आपका काम स्टार्ट होता है अब टेक्स्टिंग का, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है, ठीक है, अपने एड्रेस, ईमेल, सेलफोन बताना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताना है, अपनी ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और एक्सपीरियंस हो गया आप, क्या आपने अचीवमेंट वगैरह, ये अब आपने सीवी में लिखनी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाम आपका पहले नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस के बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ईमेल हो जाएगी, ठीक है। ईमेल के बाद आपका सेल नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका अपना आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो मैं ये रेक्टेंगल है ना, हम इसमें लेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट करेंगे और लिखेंगे पर्सनल, कहाँ गया, ये रहा PRS पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये आ रहा है मिड में, हमें तो टॉप में चाहिए, ठीक है। अब हम इसको, ये जब फोर एरो आ जाएंगे ना, ये देखें, ये फोर एरो, इस फोर एरो आने के दौरान, ठीक है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट में आप आ जाएंगे अलाइन टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और टॉप कर देंगे, ठीक है, ये टॉप पे आ जाएगा, ये हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद हम इंटर कर देते हैं, ठीक है, होम में आ जाते हैं। अब लेकिन ये मिड से लिख रहा है, अब हमें मिड पे नहीं चाहिए, अब हमें लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, आपने फादर नेम वगैरह देनी है, ठीक है। हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन देंगे उससे हम बोल्ड यूज करेंगे, हम ये वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फादर नेम, इंटर दबाएंगे तो बोल्ड खत्म करेंगे और यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। दोबारा फिर बोल्ड लेंगे, फिर फादर नेम के बाद हम नेशनलिटी दे देंगे, तो बोल्ड खत्म करेंगे पाकिस्तान, जो हम है पाकिस्तानी, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा बोल्ड देंगे। इस तरह हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बतानी है, जैसे CNI और CNIC हो गया, ठीक है। फिर हमने CNIC के बाद आ गया डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन बतानी है तो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया। फिर आपने अपना रिलीजन बताना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना है जो आपका स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, उसके बाद आपने बतानी है अपना लैंग्वेज बतानी है, ठीक है, लैंग्वेज के, ठीक है, लैंग्वेज बता देनी है आपने जो आपकी है, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ठीक है। लैंग्वेज के बाद अब आपने ना यहाँ पे अब
थोड़ा सा हिंट दे देना। यहाँ पे आपने बताना है कि इंटरनेट मतलब कि आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप हॉबीज भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉबीज आप अपनी बता दें, जो भी आपकी है यहाँ से आप सिलेक्ट करें बोल्ड, ठीक है। इसको लेफ्ट कर देते हैं पहले, तो हॉबीज बता दें आपकी क्या, बुक रीडिंग है, ठीक है, जो भी आपकी है, ठीक है, या आपके पास इंटरनेट सर्फिंग होगी, ठीक है। इस तरह आप जो भी आपके स्पोर्ट्स डिजाइनिंग वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आप इसको जाहिर बात है ये छोटा है, इसको बड़ा कर देते हैं। बाकी इसकी आप सेटिंग वगैरह करना चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। किसी में अगर नीचे लाइन इंक्लूड करनी है, यहाँ से आप लाइन करें बोल्ड कर दें, ठीक है। इसमें जैसे मैं लाइन इंक्लूड करनी है लाइन करें बोल्ड कर दें, कलर देना चाहते हैं कलर दे दें, ठीक है। अगर ये मीडियम में अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको यहाँ से सेट पे करके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके आगे पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको आप और अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि ये इसको आप यहाँ पे ले आए, ठीक है, या इसको मिड में ले आए, ठीक है, इसको मिड में ले आए आप, ठीक है, इस तरह सेटिंग करके। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाना, इसको सिलेक्ट करना है और बड़ा कर देना, ठीक है, इसको बड़ा करना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस वगैरह देना है, ठीक है, ईमेल देना है, सेल नंबर बताना है। उसके बाद अब आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। सेल नंबर वगैरह बता दिया, अब आपने बताना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव। आप इंटरनेट से ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं अगर आपको पता है ऑब्जेक्टिव वगैरह आपने क्या देना है, ठीक है। अपनी जो भी जो जॉब के हवाले से आप ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं यहाँ पे ले सकते हैं, अगर नहीं तो इंटरनेट के जरिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ये लिख लिया, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव दे दिया। उसके बाद अब आपने इसको इंटर दबा दें, इंटर दबाने पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, ठीक है, ये जैसे ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देने के बाद ना अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना ऑब्जेक्टिव तो दे दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि यार कोई थोड़ा स्टाइल वगैरह दे दें, डिजाइन वगैरह, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। जो लिखाई है वो आप बेशक छोटी रख रहे हैं, इसको बोल्ड वगैरह करना है तो इसको बोल्ड कर दें। अब इसके नीचे अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट के लिए आप इसको सेलेक्ट करें पहले तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए और यहाँ आके इसको ये जो हमारे पास है यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कलर वगैरह देना चाहते हैं, नहीं तो अगर अच्छा नहीं लग रहा तो फिर आप क्या करें, इसके नीचे आप लाइन ले आए, ठीक है। इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद आप शेप में आके यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके आउटलाइन में थोड़ा सा वेट इसका मोटा कर दें, ठीक है। उसके बाद इसका इफेक्ट वगैरह यहां से ले लेते हैं, ठीक है, जैसा भी आके हमारे पास इसको सेट करना, थोड़ा सा सेट कर दें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव के बाद अब आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए, ठीक है। अब आपने बतानी क्वालिफिकेशन, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है हमारी। अब आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर आप टेबल आएंगे। अब जैसे आपकी तीन है, चार है, जितनी भी है उस हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ले लें, ठीक है। अब ये जाहिर बात है रेक्टेंगल टूल यूज किया हुआ है हमने, तो उसके बैक पे जा रहा है। इसको सेट करने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और इसको यहाँ से पकड़ के मिड पे लाना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब आपने बता देनी है अपनी, ठीक है, जो भी आपका मैट्रिक है, ठीक है, ठीक है, मैट्रिक है, कहाँ से आपने की है,
उसके बाद आपने इस तरह आपने अपनी डिटेल्स बता देनी है, ठीक है, जो भी आपने किया मैट्रिक वगैरह। और इसी तरह जो हमने ये लाइन ली थी इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी किया और इसी को इसके नीचे ले आएगा ताकि अच्छा लगे, और इसको ऊपर करके ले देंगे ये सिलेक्ट। इसी तरह आप ये हो जाएगा। उसके बाद एकेडमी कॉलेज इसको सेट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हैं ताकि, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, एकेडमी क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब आपके पास स्किल्स आ जाएंगे, ठीक है, ये अब स्किल्स आ गए हैं, ठीक है। अब स्किल्स छोटे, ये हमें छोटा दिख रहा है तो हम इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के लिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर यूज करता हूँ और इस पर ला के सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब स्किल्स आपने वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह लिखना चाहते हैं, ठीक है। आप बोल्ड यूज कर सकते हैं, बोल्ड हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जो भी आपके स्किल हैं, ठीक है, ऑफिस एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, आपके पास या जो भी आपके पास है स्किल्स आप जो भी आपके पास, ठीक है। तो वहां आपने स्किल्स देने के बाद इसी तरह जैसे हमने ये ड्रॉ की है लाइन, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहां से। उसके बाद स्किल्स हो जाएंगे, स्किल्स के बाद अब आपने देना क्या है, स्किल्स हो गए, आपने फिर बताना अचीवमेंट कि आपने अचीव, ठीक है, अचीवमेंट क्या है, कि आपने क्या क्या अचीव किया, ठीक है, ये दे देंगे। इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, इसी तरह हम ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, अब आपने अचीवमेंट बतानी है, ठीक है। इसी तरह हम बोर्ड यूज कर लेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, अचीवमेंट में आपने बता देनी थी आपने जो जो अचीव किया, जैसे टाइपिंग सर्टिफिकेट होता है आपने टाइपिंग सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने कोई और सर्टिफिकेट लिया हुआ है, ठीक है, ऑफिस का लिया हुआ है, ठीक है, जो आपने अचीव किया, जो आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है वो आपने बताना है, ठीक है। टाइपिंग हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, ऑफिस का हो गया, कोई और भी लिया हुआ तो वो आपने अचीवमेंट में बता देना है। उसके बाद आपने अपना बताना एक्सपीरियंस कि आपका एक्सपीरियंस किस चीज का, ठीक है। अपन यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसमें ये ले लेते हैं, अब आपने एक्सपीरियंस बताना कि आपका ये एक्सपीरियंस कहाँ पर है, ठीक है। जैसे आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो वो आपने बता देना यहाँ पर, एक्सपीरियंस जैसे आपका किसी फैक्ट्री में है, ठीक है, फैक्ट्री का आप बता दें, ठीक है, या शॉप का है, ठीक है, जो भी है वो आपने अपना एक्सपीरियंस बता देना है। उसके बाद आपके पास लास्ट में जो आपका आ जाता है वो आता है रेफरेंस, अगर आपका रेफरेंस है तो वो आपने बताना है, ठीक है, रेफरेंस है। अगर आपका रेफरेंस इसको छोड़ा, ठीक है, अगर आपका रेफरेंस है, ठीक है, तो आपने इंक्लूड करना, वरना अदरवाइज आपने यहां पर आके इसको लिख देना विल बी, ठीक है, ठीक है, आपने ये लिख देना है, ठीक है, विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड, ठीक है। ये अब हमारे पास सीवी बन चुकी है, अगर आपने इंक्लूड कर दिया, आप थोड़ा सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं, अब आप इसको सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ सेटिंग करनी है, सेट करना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा जी,
ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये आप आपकी ये पूरी मुकम्मल सीवी बन चुकी है, अगर उससे थोड़ा सेटिंग में लेकिन एड्रेस वगैरह, ठीक है, एड्रेस वगैरह आप दे देना, ठीक है, ईमेल्स वगैरह हो जाएंगे, सेल नंबर हो गया आपका, ये आपकी पूरी मुकम्मल सीवी बन चुकी है। जो जो आपको जॉब के हवाले से ज़रूरत होती है ना, वो सब मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव आपने लिखना है, ठीक है, खुद से लिखना चाहते हैं या आप नेट से लेना चाहते हैं, नेट से ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल सीवी लिख दें, ठीक है, आपके पास हर जॉब के हवाले से ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। फिर आपने अकेडमिक क्वालिफिकेशन बता देंगे, ठीक है, स्किल्स बताने कि आपके पास कितने स्किल्स हैं, कौन कौन से स्किल्स आपको आते हैं, ठीक है, अचीवमेंट बतानी है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है, ये आपकी मुकम्मल एक सीवी बन चुकी है, ठीक है। और टेम्पलेट वगैरह में एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा अगर और कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।